टिहरी में रेफर सेंटर कहे जाने वाले जिला अस्पताल बोराड़ी में मरीजों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला अस्पताल में दो दिन से खराब पड़ी एक्सरे मशीन के चलते दूर दराज से आने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बिजली कनेक्शन नहीं होने के चलते 1.5 करोड़ की नई डिजिटल एक्सरे मशीन भी करीब 5 माह से धूल फांक रही है, लेकिन किसी का ध्यान भी इस ओर नहीं जा रहा। घनसाली प्रताप नगर चंबा से आने वाले ग्रामीण मरीजों को 300 से 500 रुपए देकर बाहर से एक्सरे करवाना पड़ता है। तबीयत खराब थी प्रताप नगर से, मैं आया था यहाँ, लेकिन मैंने एक्सरे करवाया, एक्सरे बाहर से करवाना पड़ा, हमने एक्सरे मशीन बताई खराब है हमारी, मुझे 300 रुपए देनी पड़ी वहाँ पर, परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। एक सुविधा मिल जाए हम समझू तो हम यख ही करो था अक्सर, अब तब बाहर जान पड़े हम सर अक्सर करो। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ट्रांसफार्मर फूक जाने के कारण एक्सरे मशीन खराब हो गई है, जिसके लिए देहरादून से टेक्नीशियन को बुलाया गया है और डिजिटल एक्सरे मशीन भी अभी संचालित नहीं हो पाई है। संवाद 365 के लिए टिहरी से पवन नेथानी की रिपोर्ट।